शराब की दुकान मालवीय नगर में खोलने से वार्ड की महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। टोंक के मालवीय नगर में तीसरी शराब की दुकान खोली जाने के विरोध में आज महिलाओं ने विरोध करते हुए उसे बंद को कहा। हंगामा बढ़ते देख कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश की। वहीं दुकानदार से भी शराब के कागज मांगी, लेकिन कागज नहीं होने पर पुलिस ने दुकान बंद करवा दी। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर फ्लाईओवर के पास मालवीय नगर में एक के बाद एक करके तीन शराब की दुकानें खोले जाने से मोहल्लावासियों में खासा आक्रोश है। महिलाओं का आरोप है कि पहले ही दो दुकान यहां मौजूद है, वहीं तीसरी दुकान आज खोली जा रही थी। सुबह मंदिर जाने के साथ ही अन्य काम के लिए निकलने वाली महिलाएं पहले ही शराबियों से परेशान हैं। बीते दिनों भी एक शराबी ने बुजुर्ग महिला का पीछा कर उसे परेशान किया। दूसरी शराब की दुकान मालिक पर दुर्व्यवहार का आरोप लोगों ने लगाया है। मामला बढ़ते देख कोतवाली पुलिस ने पहले महिलाओं को समझाइश की, बाद में शराब के ठेके पर मौजूद व्यक्ति से दुकान के कागजात दिखाने को कहा, लेकिन कागज नहीं दिखाने पर दुकान को बंद करवा दिया। उधर महिलाओं ने कहा कि अगर शराब की दुकान पर से खोली गई तो वापस इसका विरोध करेंगे, वहीं सोमवार प्रशासन को इस संबंध में अवगत भी करवाएंगे। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष शोदा की रिपोर्ट। और यहाँ ये मालवीय नगर कॉलोनी के बाहर मेन रोड पे तीन दुकानें खुली हुई हैं दारू की, जिसका मैं एक का ओपनिंग आज ही हुई है, इसलिए यहाँ लेडीज हैं निकलने के लिए परेशान होती है, मंदिर जाने आने के लिए परेशान होती हैं। ऐसे में कभी भी छुटपुट वारदातें होती रहती हैं जिनकी लोग शिकायत नहीं कर पाते। ऐसे में यहाँ ये दुकानों का खुलने का तांता बढ़ता ही जा रहा है, कृपया इसको रोका जाए। आज किस तरह का प्रदर्शन रहा? आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया कि किसी तरीके से इनको बंद करवा जाए। दुकान मालिक से बात करी, दुकान मालिक ने ऊँचे हाथ खड़े कर दिए, गाली गलौज से उन्होंने भी बात की। आज और इसके अलावा इस दुकान को कैसे भी करके नहीं बंद किया है। कॉलोनी में सभी लेडीज महिला आगे हमारी रूपरेखा कलेक्टर साहब से मिलने की रहेगी कल 10 बजे। इसके बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जन आक्रोश हमारा सब इकट्ठा होगा, यहाँ धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। यहाँ से क्या सर, ये क्या है जो ये जगह जगह तीन दारू के ठेके हो गए यहाँ पास के पास में? हमारा तो निकलना घुसना ही बंद हो गया बिल्कुल। और ये मंदिर आती है बहन बेटियाँ जग दोपहर में, मतलब 10 बजे, एक 65 साल की औरत लेडीज को ऐसा पकड़ा पीछे से, और सामने से है ना, जैसे आती है औरतें निकलती हैं लेडीजें तो टॉयलेट वगैरह करने, ये दारू वाले टॉयलेट करने सामने सामने खड़े हो जाते हैं। तो हमारे तो दोनों तीनों जगह ही ये हो गया। तो अब एक बात बताओ, कहाँ से हम निकलें, कहाँ से जाएं? बहन बेटियाँ निकलने की नहीं है, यहीं के यहीं आतंक मचाते रहते हैं। ये रूपरेखा के प्रशासन से हमारा यही कहना है कि मतलब इनको दारू के ठेकों को हटाओ, वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और हम इसको नहीं खोलने देंगे कुल मिला के। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती